नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक्सपो कार चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ हुंडई का जो न्यूली लॉन्च जो कार है क्रेटा, उसका एक नया एडिशन के बारे में जो कि है एडवेंचर एडिशन। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं एडवेंचर एडिशन देख रहे हैं, कौन सा वेरियंट है, कितने का प्राइस है, क्या क्या फीचर इसमें ऐड हुए हैं, क्या सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो वेरिएंट का नाम है वो SX वेरिएंट आप देख रहे हैं, SX यानी कि सेकंड टॉप। और इसमें जो है कंपनी ने दो ही मॉडल में इन्होंने निकाला है, एक SX में सेकंड टॉप, एक टॉप में। अगर टॉप लेते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी IVT के साथ, और अगर आप सेकंड टॉप लेते हैं तो आपको मैनुअल मिलेगी, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह दूसरा है नहीं। और जो है ये इसका जो है पेट्रोल में ही निकाला है, मतलब डीजल में जो एडवेंचर एडिशन वो नहीं आती है। और ये जो SX वेरिएंट आप देख रहे हैं एडवेंचर एडिशन, तो इसका जो एक्सशोरूम कीमत है वो है 15,17,000 इसका एक्सशोरूम कीमत है। और ऑन रोड उत्तराखंड से अगर आप परचेस करते हैं तो ये 17,70,000 की 17,70,000 की ऑन रोड बैठ जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले इसका फ्रंट देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है जो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और जो इसका जो नाइट एडिशन आया था उसी से कुछ इंस्पायर्ड है, बट नाइट एडिशन में यहाँ पे जो एक रेड लाइन होती है वो इसमें नहीं मिलेगा, मतलब ऑल पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल मिलने वाला है। और हुंडई का जो लोगो है वो भी आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है। फ्रंट में नीचे जो इसका सिल्वर स्किड प्लेट आती थी वो भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग में यहाँ पे हो चुकी है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो फॉग लैम्प, टर्न इंडिकेटर जो कि हैलोजन में है, और हेडलैम्प्स यहाँ पे ट्रायो LED बीम के साथ आ रही है, और यहाँ पे DRLs यहाँ पे मिल जाता है जो काफ़ी खूबसूरत बना देती है गाड़ी को। और ये जो कलर है आपने पहले ही देखा होगा क्योंकि एक्सटर में ये कलर आ रही थी, और यही कलर आपको जो है अब क्रेटा में भी देखने को मिलता है, वो भी एडवेंचर एडिशन में। बहुत खूबसूरत लग रही है, कलर जो है ये इसका नाम जो है रेंजर खाकी कलर है। और इसका साइड प्रोफाइल आपको दिखाते हैं, कार की जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है एडवेंचर एडिशन में, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। गाड़ी का जो कलर है रेंजर खाकी कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर सूट कर रहा है। और यहाँ पे आइए देखते हैं इसका व्हील्स। तो यहाँ पे व्हील्स अगर आप देखेंगे, व्हील्स यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ एलॉय व्हील यहाँ पे मिल जाता है SX में। और प्रोफाइल जो है 215/60R17 का आपको यहाँ पे टायर मिलता है। बाकी जो है ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे रेड कलर में दिए गए हैं फ्रंट के। और एडवेंचर एडिशन है तो यहाँ पे एडवेंचर का यहाँ पे लोगो आ चुका है गाड़ी के साइड में। और ORVM जो है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, और टर्न इंडिकेटर भी आपको ORVM पे देखने को मिल जाता है। ए पिलर जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, बी पिलर है वो मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ है। ऊपर जो सिल्वर कलर के रूफलेस आते थे क्रेटा में वो आपको यहाँ पे अब पियानो ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। और फ्यूल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 50 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रियर के जो है ब्रेक कैलिपर्स वो आपको जो है सिल्वर कलर के ही मिलते हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक के साथ आ रहे हैं। और अब बात करते हैं कार के रियर प्रोफाइल में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं कार का जो है रियर प्रोफाइल काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो सिल्वर स्किड प्लेटें आ रही थी रियर के वो भी इसमें अब पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आती है। और यहाँ पे 1, 2, 3 और एक चार चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। हैलोजन में आपको रिवर्स लैंप यहाँ पे दिया गया है, बाकी रिफ्लेक्टर ये हो गया दोनों साइड में। SX मॉडल है इसलिए SX की यहाँ पे डार्क क्रोम में दिया गया है, और डार्क क्रोम में ही आपको जो है यहाँ पे क्रेटा लिखा हुआ मिलता है, साथ ही साथ हुंडई का डार्क क्रोम में लोगो। और यहाँ पे जो है ब्रेक लाइट हो गया, जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे जो है वाइपर हो गया, डिफॉगर, ऊपर शार्क फिन एंटीना जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आ रहा है। स्पॉइलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं ये जो यहाँ पे पोर्शन है यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग यूज़ किया गया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो रिवर्स कैमरा है ये। और अब बात करेंगे कार के बूट स्पेस में, तो यहाँ पे बूट स्पेस ओपन कर दिया मैंने, भाई ज़बरदस्त बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से, बहुत बड़ा बूट स्पेस है। 433 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है लगेज लैम्प के साथ, और पार्सल ट्रे ये भी बहुत बड़ा है देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा हुक के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, और स्पेयर व्हील दोस्तों इसके नीचे ही है। और प्रोफाइल 205/65R16, मतलब कि 1 इंच छोटा आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है स्टील रिम के साथ। करते हैं इसको बंद, अब कार के इंटीरियर दिखाते हैं आपको।
इंटीरियर दिखाने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे जो है साइड में जो है क्रेटा में ये आपको मिलेगा एडवेंचर एडिशन में, इसको साइड मोल्डिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लैक कलर में जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको मिलता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे साइड प्रोफाइल लग रही है इसकी वजह से। और करते हैं आप ओपन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोर मिलता है। डोर में यहाँ पे ऑल पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ है, और सेंटर लॉकिंग होगी, मिरर फोल्ड करने वाला बटन, एडजस्ट करने वाला बटन, और यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये सब मिल जाता है। बाकी टोटल यहाँ पे प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ है। और अब यहाँ पे सीट अगर आप देखेंगे तो सीट पूरी तरह चेंज हो चुकी है इसमें, जो इसका कलर थीम है वो एकदम चेंज हो गया है, देख सकते हैं। जो रेंजर खाकी कलर है इसमें भी थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, और साइड में लेदर है, बीच में फैब्रिक है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट प्रॉपर लेदर है, और रियर में भी आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीट की जो है एडजस्टमेंट, ये मैनुअली हाइट एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप हो गया, और यहाँ पे जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन हो गया, ये ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन, और ये हेडलैम्प बीम को लेवल करने वाला बटन हो गया। यहाँ पे एसी वेंट की तरफ देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है चारों तरफ, और यहाँ पे जो है एक रेंजर खाकी का एक जो एक अलग से कलर यहाँ पे दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब कार के अंदर बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई स्टेयरिंग कुछ इस टाइप से है, ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं बहुत शानदार स्टेयरिंग व्हील है, और लेदर रैप्ड है, प्रॉपर डी कट के साथ आ रहा है। भाई स्टेयरिंग यहाँ पे डी कट वाला मिल जाता है, लेदर रैप्ड है, सिल्वर फिनिशिंग है। इधर म्यूजिक के कंट्रोल्स, इधर क्रूज कंट्रोल, और बीच में हॉर्न। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर नीचे और ऊपर नीचे के साथ ही आ रही है, मतलब टिल्ट स्टेयरिंग है। यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन, इधर अपना हेडलैम्प जो कि ऑटोमेटिक के साथ आ रहा है, क्लस्टर कुछ इस टाइप से है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑन करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करने से पहले कीज दिखा देता हूँ, सेम जो SX में आती थी वही कीज आपको मिलने वाली है, लॉक अनलॉक और कार को स्टार्ट करना और जो बूट रिलीज करने वाला बटन के साथ आता है। तो एक बार खाली इसका पावर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है, TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये भी बोलता है इसमें सीट बेल्ट लगाने के लिए रिमाइंड करता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो बढ़िया वाला यहाँ पे बड़ा वाला म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, जो कि टॉप मॉडल में आता है। इसमें ब्लूलिंक फीचर के साथ आता है और इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी है, देख सकते हैं यहाँ पे मैप करके। और ब्लूलिंक वाला जो बटन्स है वो यहाँ पे आपको मिलता है ORVM में, और यहाँ पे SOS RSA वाला बटन यहाँ पे साथ में और मिल जाता है। IRVM जो है यहाँ पे मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज आपको मिलता है इस एडिशन में भाई, ये तो भाई डैश कैम आपको अब मिलने लग गया है, जो SX मॉडल में एडवेंचर एडिशन आप अगर लेते हैं तो आपको डैश कैम के साथ आपको ये मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक तरीके से आप इसकी जो है कार की आगे से और अंदर की जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ब्यूटीफुल मोमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरी ओर इसके जो है सिक्योरिटी पर्पज से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सनग्लासेस होल्डर, पहले की तरह लाइटें, और यही सेम सनरूफ वही पैनारोमिक वाला इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो IRVM हो गया, पैसेंजर वैनिटी मिरर, इधर अपना टिकट होल्डर, और जो है अपना ग्लव बॉक्स आपको एक बार दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, कोल्ड ग्लव बॉक्स के साथ है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है SX में, ये USB पोर्ट, ये पेन ड्राइव के लिए हो गया, ये 12 वोल्ट के लिए हो गया। यहाँ पे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, देख सकते हैं रिवर्स जो है उठ के लगती है, और यहाँ पे लेदर है, यहाँ पे भी सिल्वर फिनिशिंग मिलता है। व्यू वाला ऑप्शन जो है अपना, अगर आप फॉरवर्ड आपका डायरेक्शन है तब भी आप रियर कैमरा देख सकते हैं इस व्यू बटन से। और यहाँ पे जो है कुछ स्पेस है ग्लास वगैरह रखने के लिए। आर्मरेस्ट आ गया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, चौड़ा है, बढ़िया है एकदम। अंदर थोड़ा स्पेस है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो है कार का इंटीरियर आपको मिलता है एडवेंचर एडिशन में। अब आपको कार का जो है रियर इंटीरियर एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको इंजन दिखाता हूँ। तो चलते हैं, रियर वाला डोर मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे डोर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिलता है, ब्लैक कलर ऑल सिल्वर कलर का डोर लीवर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ मिलती है SX में, सनसेट, काफ़ी अच्छा यूज़ है, आप प्राइवेसी भी थोड़ा प्रोवाइड हो जाता है, साथ ही साथ जो है धूप भी अंदर नहीं आती है, तो कैबिन थोड़ा ठंडा रहता है इससे। स्पीकर, बॉटल होल्डर, और यहाँ पे अंदर का स्पेस कुछ इस टाइप से मिलता है,
काफ़ी अच्छा स्पेस है, अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत अच्छा खासा कंफर्टेबल है यहाँ पे मिलता है, और ये चीज़ आपको मिलेगा गाड़ी के साथ एडवेंचर, ये कुशन्स आपको मिलने वाले हैं इसमें जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी है। बाकी ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट फीचर के साथ आती है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है टू स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर आता है, जो कि ये फर्स्ट स्टेप में अगर इसको ज़्यादा रिक्लाइनिंग करना है तो इसको उठा के और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो रिक्लाइनिंग एंगल चेंज करके आप ज़्यादा कंफर्ट का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे जो है सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है रियर वाला, और कप होल्डर के साथ है, बहुत बढ़िया है देख सकते हैं। बाकी जो आर्मरेस्ट है ये प्रॉपर पूरा लेदर का है, बट यहाँ पे सीट, यहाँ पे बीच में फैब्रिक यूज़ की गई है। तो यह है इसका जो है सीटों के बारे में था। और यहाँ पे जो है रियर एसी वेंट हो गया, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट यहाँ पे दिया गया है यूएसबी वाला, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रियर सीट बैक पॉकेट मिल जाता है पैसेंजर साइड में, ड्राइवर साइड में भी आपको सीट बैक पॉकेट मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा और यूटिलाइज चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं। तो भाई इसमें इंजन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लीटर का वही सेम इंजन आ जाता है, जो 115 पीएस का पावर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात करूँ तो 143 एनएम का टॉर्क दे देती है। और इंजन बता दिया, अब इसके जो माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे 17 kmpl का माइलेज क्लेम होता है, बाकी आप मान के चलिए 15-16 kmpl के आसपास में ये आने वाला है माइलेज इसमें पेट्रोल में। और एक बार फिर से इसका कीमत बता दे रहा हूँ, कीमत जो है एक्शोरूम वो 15,17,000 इसका एक्शोरूम कीमत है, और ऑन रोड जो है इसका 17,70,000 ऑन रोड बैठता है। आपको कैसी लगी कार कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।